अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सारा बरकत से होंगे, खुशहाल होंगे। और आज ये मैं नई वीडियो लेके आया हूँ। और पहले भी मैंने ये झूला बनाया था, ये जो गार्डन स्विंग बेबी वाला, बेबी गार्डन स्विंग वाला। तो कई कस्टमर बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आती कैसे बनाते हैं, ये दोबारा से मैं बनाना चाह रहा हूँ ये किस तरह बनता है और किस तरह उसकी फिटिंग होती है। पहले मैंने दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाई थी ना, अब ये मैं आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले इसके नट बोल्ट वगैरह कहाँ लगते हैं। पैकिंग वगैरह भी इसकी आप देख रहे हैं पैक हुआ हुआ है। अब इसकी मैं सील खोलूँगा। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। और चलते हैं आगे वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए, तो उसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं फिर बनाते हैं। ये देख लीजिए, हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, ये सारा खोल दिया। तो अब इसकी फिटिंग भी करके दिखाएंगे कैसे फिट होता है। तो ये सारा सामान निकाल के मैं दिखाता हूँ। ये टॉय स्टेशन वालों की कंपनी का, और ये बहुत ज़बरदस्त झूला है, इसमें बड़ा बच्चा भी बैठ सकता है, 1 साल से लेकर 8 साल का बच्चा बैठ जाए। स्टील बॉडी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। शीट वगैरह मैं आपको सारी चेक कराऊंगा। हमें ये झूला बनाना है, ये झूला है, ये बनेगा अभी, ये वाला, ये पूरा तैयार होगा, ये इसके पैर फूट वगैरह। तो ये आपको फिट करके दिखाएंगे कैसे फिट होता है। इसकी देख लीजिए कैटलॉग भी निकल आई है, ये इसको कैसे फिटिंग करनी है, इंस्टॉलेशन मैनुअल सारी आ गई है इसके अंदर। ये देखें सारा कुछ बना हुआ है, हमें ये झूला बनाना है, सारे इसके नंबर लिखे हुए हैं, स्टैंड ब्रैकेट ये सारे कुछ इसके अंदर है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये देख लीजिए उर्दू में भी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो बने और आप लोगों को भी समझ आए कैसे बनता है ये, लेकिन तरीका कार बनाने का तरीका, ये सारी चीज़ें बनती हैं। देख लीजिए, ये देखें सारा उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये सारा कुछ है, ये देखिए ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए सारा इस पेपर के अंदर। ये देखिए 108 इसका पार्ट्स नंबर टेबल आ गया, ये सारा कुछ बना हुआ है। ये देखिए इंस्टॉलेशन भी बना, सारा कुछ इसके अंदर। और शुरू करते हैं, बनाते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वगैरह। ये देखिए डब्बा सारा खाली हो गया, ये सारा खाली हो गया, ये देखें सामान देखिए, ये देखें कितना सारा सामान है, ये सारा बनेगा अभी देखें, ये देख लीजिए, ये देखें सारा कुछ है, अभी आपको सारा बना के दिखाएंगे। ये इसके नट बोल्ट वगैरह आ गए हैं सारे, ये पड़ेंगे, ये बिजली सिस्टम है, ऊपर लगेगा पैनल, छतरी वगैरह सब है, ये देख लीजिए, ये सारा सामान आएगा, हम आपको सारा बना के दिखाएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको। जो सबसे पहले तो आप ये नट वगैरह बोल्ट वगैरह ये इन सबको पहले अलग कर लेना, इन सबको ना तरकीब से रख दें ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मैंने सारे नट अलग कर दिए, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये कुछ ऐसे चार मोटे नट आ जाते हैं, और ये नट वगैरह ये सारे मैंने सबसे पहले अलग कर दिए। जो आपको चाहिए होगा आप उसमें झूले में लगाते ही जाइएगा, हमें ये झूला बनाना है। ठीक है जी, अब हम शुरू करते हैं, बनाते हैं। और सबसे पहले तो ये पैप खड़े करने हैं, सबसे पहले हमने ये पैप खड़े करने हैं, जैसे ये खड़ा हुआ है, ये देखें ये अगर पाइप है ये हमें खड़ा करना है, जैसे ये बना हुआ है उस पर भी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये खड़ा हुआ है, ये इस पर पिन वाला सिस्टम है, ये देखिए पिन लगी है, ये पिन वाला सिस्टम है, उधर भी पिन लगा हुआ है, और ये हमारे पास दो पैप आ गए, ये देखिए दो पैप आ गए, अब ये दो ये आ गए हमारे पास। अब हमने ये स्टैंड खड़ा करना है, ये वाला हमें ये फ्रेम तैयार करना है, फिगर टू तैयार करना है। फिगर वन तो आ गया ना, ये फिगर वन आ गया, अब फिगर टू ये हमें तैयार करना है। ठीक है जी, जैसे ये बना हुआ है अब इसको बनाते हैं, एक और दो। ये देख लीजिए मैं ये लगा दिए पिनें, ये पिन सिस्टम तो मैंने कर दिया, और एक ये भी कर दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये देखें मैंने इनको जोड़ दिया, ऐसे करके मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है जी, अब उसके बाद हम ये देखें इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, देख लीजिए ये बन गया ये अभी। अब उसके बाद हम तैयार करेंगे इसकी जो फ्रेम है वो आपको दिखाते हैं क्या तैयार करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। अब उसके बाद हम ये सामान ले लेंगे, ये देखिए मैंने अम्ब्रेला उसकी ये स्टैंड ले लिया, और ये पाइप ले लिया दूसरे नंबर में, फिर उसके बाद हम ये ले लेंगे ये दो बुश ले लेंगे, ये दो बुश ना इस पाइप के अंदर हमने डालना है, इस पाइप के अंदर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अब आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर डालना होता है, यहाँ पर ये यहाँ पर डलेगा इस साइड में। ठीक है जी, तो हम ये डाल लेते हैं इस पाइप के अंदर, ये जैसे कि हम ये डालेंगे इसके अंदर, यूँ करके ये अंदर आ जाएगा,
घंटा डाल दिया, ये दोनों डाल दिए, एक उधर से डाल दिया एक इधर से डाल दिया, यहाँ से डाल दिया, ये मैंने डाल दिया, यूँ करके इसको यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर यहाँ तक जाएंगे दोनों को, ठीक है जी। इसलिए ये पाइप मैंने डाल दी है और ये पाइप अब ये डालेंगे, अब इसके अंदर ये डालेंगे, अब ये हम इसके अंदर खींच के डालेंगे। अभी तो मैं एक आज से वीडियो बना रहा हूँ, एक आज से ये काम कर रहा हूँ, तो ये आपको मैं ऐसे शॉर्ट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऐसे करके इसको भी अंदर डाल देना है। जब मैंने दोनों लगा दिए, ये दोनों मैंने लगा दिए, अब उसके बाद हम ये नट लगा लेंगे, ये नट हम दो ले लेंगे, ये दो नट एक इधर लगा देंगे एक इधर लगा देंगे, ये दो नट हम ले लेंगे यहाँ से, वो हम इसके अंदर डाल देंगे ये दोनों नट, मैंने इसमें डाल दिया और एक इसमें डाल दूँगा, और ये इसके साथ फिर इसके बाद हमने ये नट लगा देंगे, ये पीछे इसकी कैप लगा देंगे ताकि सही से जुड़े, ये पीछे करके हम लगा देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं इसकी अम्ब्रेला लगाऊंगा, ठीक है, ये अम्ब्रेला लगानी है, अभी ये देखें मैं लगा दी, अब इसके बाद अम्ब्रेला लगेगा, फिर इसके भी दो नट लगाने पड़ेंगे, इसका अम्ब्रेला की साइड यहाँ पर, ठीक है जी, डालते हैं अम्ब्रेला। ये देखें जी मैंने अम्ब्रेला भी लगा दी है इस पाइप के अंदर, अब उसके बाद हम ये वाले दो नट उठा लेंगे, जो पहले हमने ये दो नट लगाए ना, अब ये दो नट हम ले लेंगे, ये वाले ये ले लेंगे और दो ये ले लेंगे, और इसी तरह हम इसके अंदर ये नट डाल देंगे ऐसे करके, वो अपने प्लास और पेचकस से कर लेना, पेचकस और प्लास से करना है। ये एक मैंने लगा दिया, अब हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा ये लेंगे, ये एक ये लगा दिया और दूसरा भी लगा दिया, ये छोटे हो गए थोड़े से, अब इनकी हम आपको इस पाइप में लगा के दिखाएंगे, इसमें हम लगा के दिखाएंगे आपको। अब ये देख रहे हैं ये इस पाइप के अंदर हमें डालना है इसको, ठीक है जी। अब ये हमने इसके अंदर डालना है यहाँ पर भी सुराग है, बता दें हम यहाँ पर भी लगा सकें इसको, ये देखिए मैं अंदर डाल रहा हूँ, ये देखिए ये इसके अंदर डाल दिया, उधर से भी डालना पड़ेगा, इसके अंदर भी हम ऐसे करके डालेंगे, ये देखिए ये अंदर चला गया। फिर उसके बाद हमने इसके नट लगा देने, फिर इसके बाद हमने ये दो नट ले लेने, ये दो नट मैंने यहाँ से दिए, फिर इसके अंदर यूँ करके यहाँ पर लगाना, ये किधर लगेगा और दूसरा यहाँ पर लगेगा, ये बड़े नट ले दिए, ठीक है जी, ये लगा देना। ये देखिए मैं दो नट लगा दिए, एक इधर भी नट लगा दिए, एक इधर भी लगा दिए, और उनको प्लास और पेचकस से टाइट कर लेना है, ये देखिए लगा दिए, ठीक है जी, एक इधर ये देखिए सारे लगा दिए, अभी ये सारा कुछ तैयार होगा, अभी आराम आराम से पूरा बनेगा, अभी पास इसकी सीट रहती है, हम सीट लगाएंगे यहाँ पर, वो भी आपको लगा के दिखाते हैं, वो सीट वो भी ये अभी आप तैयार कर रहे हैं, अभी हमने ये फ्रेम तैयार कर लिया, ये देखें ये फ्रेम तैयार हो चुका है, ये देखें फ्रेम तैयार हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अब ये फ्रेम तैयार करेंगे, ये सीट तैयार करनी है, सीट तैयार करने का तरीका ये दिया हुआ है, फिगर थ्री, फिर ये सारा बनेगा, फिगर थ्री तैयार करते हैं। अभी हम इसकी सीट तैयार करेंगे, सीट जिसमें बच्चा बैठेगा, और उसमें से हमने ये नट ले लेने हैं, ये देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नट हैं, तो यहाँ पर भी चार साइडें ये रही और चार साइडें ये रही, ये चार नट ये लगेंगे। अब हमने ये न ये तैयार करनी है, ये सीट तैयार करनी है फिगर थ्री, अब इसको तैयार करेंगे। जैसे कि मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये बना हुआ इसको तैयार करना है, ये मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम बना हुआ था, या इसकी अब सीट तैयार करेंगे, शुरू करते हैं बनाते हैं। देखे तो हमने ये पहले देखे हमने ये तैयार कर लिया था, पहले ये बना लिया था, पहला तो ये फ्रेम बन गया, अब दूसरा हमने इसकी सीट तैयार करनी है, दूसरा ये शुरू करते हैं बनाते हैं सीट को। हम ये हमें ये नट ले लेने हैं, ठीक है, ये सारे नट उठा लेने हैं सीट के लिए, अब ये सारे नट हम लगाएंगे, ये ब्रेक में लगा रहा था, फिर इसके हम पीछे लगाएंगे ये नट इसके हम पीछे लगाएंगे, ये सारे पीछे लगेंगे, उनको पेचकस से टाइट कर लेंगे। जी मैं दो नट ये देख लीजिए मैं दो नट लगा दिए, अब उसके बाद हम इसको लगाएंगे, अब इसको उसके अंदर डालेंगे सुराग में, ये इसको डालेंगे, ये बाद में लगाना, पहले ये पूरा सेट तैयार हो जाए, फिर दूसरे में इसको लगाना है, फिर दो नट ये भी लगा लेंगे, ठीक है जी। पहले इसको हम डालते हैं, ये चार नट मैंने लगा दिए, ये लगा दिए, अब ये जा गए हैं चार, अब चार उस साइड में लगेंगे, चार नट लगेंगे उस साइड में, ये पहला साइड हमने तैयार कर लिया, अभी दूसरा साइड तैयार कर लिया, और दूसरा भी इसी तरह का लगा देना। ये देख लीजिए ये एक साइड तो मैंने तैयार कर लिया,
और ये दूसरी भी हमने तैयार कर दी, मैंने नट लगा दिए। अब सीट तैयार हो गई है, अब उसके बाद हम उसका तैयार करेंगे, उसका नीचे का फूट पैनल, नीचे का फूट वाला तैयार करेंगे जो बच्चे जिसमें पैर रखते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है, ये तैयार करेंगे ये वाला, ठीक है जी। अब उसका ये जो हमने बना लिया ये तैयार होगा, जैसे कि बना है फिगर 6 में। अब इसको हम लगाते हैं नट वगैरह, इसके नीचे नट भी लगे हुए हैं। ये फ्रेम मैंने ले लिया, ये दो फ्रेम है, ये हम ले लेंगे। ये फूट है रखने के लिए, बच्चा जिसमें पैर रखता है। अब इसका हम फूट पैडल तैयार करते हैं। ये जो नट खोले हुए ये लगे हुए ना, इनको खोल देना है, ये पेचकस से इनको खोल देना है नट को। ये देखिए मैंने कट स्क्रू खोल दिए, अब इसके हम इधर लगाएंगे ये चारों कट स्क्रू, फिर यहाँ पर इसको हम फिट कर देंगे, ठीक है जी। ये सारा कुछ हम इसका लगाएंगे। ये देखिए मैंने चारों नट लगा दिए, अब इसको हमने पेचकस से टाइट कर देना है। ये देखिए मैंने इसके नट वगैरह लगा दिए, नीचे से टाइट कर दिए। अब इसको हम ये स्किंचे डालेंगे, अब स्किंचे लगाएंगे, जैसे ये नहीं बनाएंगे, ये बनेगा, ये लगेगा, ऐसे लगेगा। अब इसके हम नीचे लगाएंगे, नीचे करके यूँ लगा देना, और इसमें नट भी लगा देंगे हम। और ये नट है, मैं आपको ये देखिए मैं एक नट लगा दिया, अभी हम दूसरा लगाएंगे, दूसरा हम यहाँ से लेंगे, अब दूसरा भी इसके अंदर हम इस तरह डाल देंगे। ये हमने एक नट यहाँ लगा दिया और एक ये नट लगा दिया। अब उसके बाद ये हम दोनों को टाइट कर देंगे इससे, ठीक है। ये इससे हम टाइट कर देंगे ताकि ये निकलेगा, पेज को प्लास का से कर लेना। ये देखिए दोनों नट टाइट कर दिए, ये भी टाइट कर दिया और ये भी कर दिया। ये देखिए फ्रेम तैयार कर दिया मैंने, ये पूरा ये तैयार हो गया। अब आप इसका जो आगे का सब बाद में लगाएंगे, पहले इसका जो फूट है ना वो नीचे लगा देते हैं, जो पैर है ये नीचे हम लगाएंगे। जैसे ये पैर हैं, अब ये लगाने हैं हमें, ये नीचे जो देखिए हमें, ठीक है ये लगाते हैं। अभी हम चार ले लेंगे, ये चार हैं इसमें, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, ये चार आ गया। हम चारों को इनके नीचे लगा रहे हैं, इसके नीचे उसके नीचे, ओके। ये चार नट ले लेंगे, ये चार नट आ जाएंगे, ये लंबे वाले हैं, फिर चार ये भी ले लेंगे, ले लिए चार, तो ये इसके नीचे हमने लगा दिया। मैंने इसके नीचे रख दिया, ठीक है। ये आप नट ले लेंगे और ये नट ऐसे करके इसमें डाल देना है। मैं प्लास और पेचकस से टाइट कर दिया इसको, और वो दूसरा भी हम लगाएंगे, दो और रहेंगे, दोनों उधर भी लगाएंगे वो पीछे से। दूसरा भी मैंने लगा दिया, पहला लगा दिया था, दूसरा लगा दिया, तीसरा लगाएंगे। ये हमें तीसरा भी लगा दिया, अब हम लगाएंगे आखिरी चौथा वाला। ये देखिए हमने चौथा भी लगा दिया, पहला भी तैयार, दूसरा भी तैयार, तीसरा भी तैयार, चौथा भी तैयार। अब ये पूरा इस तरह करके बंद, ये देखिए पूरा इस तरह करके ये अभी तैयार हो चुका है। अभी सीट रहती है वो हम लगाएंगे। ये वाला फ्रेम तो तैयार कर लिया, ये वाला तैयार कर लिया, ये सीट रह गई, बस सीट लगा दी है। ये फिगर 9 हमने तैयार कर लिया है, ठीक है जी। ये तैयार हो गया, अब हम लगाएंगे इसकी सीट। सीट ये पड़ी हुई, हम ये लगाएंगे और इस पाइप के अंदर हम डालेंगे। इस पाइप में एक नट यहाँ लगेगा, एक नट यहाँ लगेगा, बस अब दो नट रह गए हैं यहाँ पर, ये लगेंगे, उन दोनों को इसमें हम डाल देंगे इस पाइप में। लगाने के सिर्फ दो नट चाहिए, एक ये दो नट रह गए हैं, बाकी ये दो ये रह गए हैं, ये हम ले लेंगे, ये दोनों हम इसमें लगा लेंगे इन दोनों में। ये देखिए पहला नट तो मैंने लगा दिया, अब दूसरा लगाना है, अब हम ये उठाएंगे, दूसरा इधर लगा देंगे। ये देख लीजिए भाई, ये दो नट लगा दिए मैंने, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी ज़रूर करना, बड़ी मेहनत की इसको बनाने में। अब इसके बाद हम रह गया ये भी आ गया, अब इसके आगे भी लगेगा, ये आगे लगेगा, ये अभी ये रह गया, अब इसके आगे इसका म्यूज़िक पैनल लगेगा, ये पैनल लगेगा, फिर नीचे इसका ये जो ना ये कपड़ा ये नीचे लगेगा ताकि बच्चा गिरे ना यहाँ से, इसको ये अब लगाएंगे। अब ये रह गए, ये दो आइटम रह गए बस, ये एक पीस इसके अंदर ये लॉक सिस्टम दिया हुआ है और एक ये लॉक दिया हुआ है, और ये इसका सुराग है और एक सुराग यहाँ पर दिया, फिर इसको हमें यू करके डाल देना है। ये पहला लॉक ये लग गया और दूसरा लॉक ये लग गया, ये हो गया हमारा झूला तैयार। अभी रह गया इसका म्यूज़िक पैनल, अब
लगाना है आसान, ये रह गया एक पीस, ये लगाना है। ये देखिए मैंने इसका मैजिक पैनल भी लगा दिया, और ये ऐसे करके इसको लॉक करना था, ये ऐसे करके ना ये ऐसे खुलता है, जैसे ये इसको हमने यहाँ पर डाल देना, ये लॉक लगने नज़र आ रहे होंगे, ये ऐसे करके हमने यूँ डाल देना, इसको यूँ करके घुमा देना है, नीचे भी नट लगे होते हैं इसके, ये टाइट हो गया। अब इसका रह गया बेल्ट, ये नीचे से देख रहे होंगे, ये हमें टाइट करना होगा, ये ना ये इस पट्टी खुलेगी ना नट वगैरह, ये इसके अंदर डालना होगा, ये लोहे का फ्रेम है, इसके अंदर डाल के इसको टाइट कर देना, वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। बस आपने एक नट खोल देना है, मैंने एक नट खोला है, ये इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, अब इसका ये मैं नट लगा दूँगा, एक नट है ये लगा देना है, ये हम नीचे से यूँ लगा देंगे। भाई ये देख लीजिए झूला हमारा तैयार हो चुका है, बेल्ट वगैरह भी सब लगा हुआ है इसमें, ये खुल भी जाता है, बच्चा छोटा है तो बैठ सकता है, एक साल से लेकर उसमें आठ साल का बच्चा बैठ सकता है। ये इसकी छतरी है, आप ऐसे करके खोल भी सकते हैं, ये नीचे कर नहीं होती, ये ऐसे नीचे हो जाती है, ये नीचे इसके मैंने नीचे कर दी है, हर चीज़ का मैंने खोल दिया। ये था आज का झूला जो हमने तैयार किया पूरा, और ये पूरा तैयार हो चुका है, इसमें हम अजान को बैठाएंगे, अजान में बैठेगा इसमें, और इसके झूले की जो प्राइस है मैं बता दूँ, ये है 8,500 रुपये का, वैसे कहीं मार्केट में 8,000 का भी है, 8,500 का भी है, कहीं जगह 10,000 का भी बिक रहा है, और इसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टील बॉडी है, मजबूत झूला है, पायदार है, और क्वालिटी में एक नंबर है, टूटने वाला आइटम नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो समझ में ना आए करेगा आप कमेंट्स करके पूछ लिया कीजिएगा, और इसकी ये क्वालिटी अच्छी है, मजबूत झूला है, पायदार झूला है, और मिलते हैं अगले नई वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर नई वीडियो भी आती रहेंगी, और वीडियो को बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और खुदा हाफिज। ये देख लीजिए अजान बैठा हुआ झूले में, और बहुत मजबूत झूला है, ना टूटेगा ना ख़राब होगा, ये देखिए बहुत मजबूत झूले में बैठा हुआ है, पायदार झूला है, इसका खुद भी वेट ज़्यादा है बच्चे का, अजान का पायदार झूला है, ये इसको झूला दूंगा नहीं झूला खाएगा, ये पूरा झूला है, ये देखिए बहुत मजबूत झूला है, पायदार झूला है। अब जैसे कि बड़ा बच्चा बैठा ना, मैंने इसका ये म्यूज़िक पैनल था ये मैंने उतार दिया, ये नीचे लटका हुआ है, ये नीचे लगा हुआ है, चाहे छोटा बच्चा बैठा ना तो आप उसमें ये लगा सकते हैं।